साधको, अब ओम मंत्र का जाप करेंगे। ओम मंत्र के विषय में मैं दो शब्दों में कहना चाहूँगा। जब अपरा प्रकृति अर्थात जिसमें हम सभी निवास करते हैं या सृष्टि का कार्य हो रहा है, ये अपरा प्रकृति जब अस्तित्व में आती है या सृजन का कार्य होता है, दूसरे शब्दों में सृष्टि का कार्य होता है, उस समय नाद की नाद उत्पन्न होता है, वो ओम शब्द से होता है। वो नाद ओम होता है। ओम की ध्वनि स्वमेव यानी ब्रह्म के एक विशेष क्षेत्र में प्रकट होती है। उसी के साथ ध्वनि के साथ गति, विस्फोट और प्रकाश उत्पन्न होता है। ये आपस में इतना कम अंतर है कि इनके अंतर को आंकना या अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। हमारा मतलब सिर्फ ओम मंत्र से है, अर्थात जब सृष्टि का कार्य होता है तो शुरुआत में ओम मंत्र को अपने आप ध्वनि उत्पन्न होने लगती है, फिर सृष्टि का कार्य होने लगता है, गति उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है और आकाश तत्व वगैरह उत्पन्न होता है। इसके बाद अन्य तत्व उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। जब अंत में जब प्रलय का समय आता है, शास्त्रों के अनुसार प्रलय दो प्रकार की होती है। मैं महाप्रलय की बात करता हूँ, जब ये संपूर्ण अपरा प्रकृति जब ये अपने आप में प्रलय होने लगती है, यानी अपने स्वरूप में स्थित होने लगती है, परा प्रकृति में स्थित होने लगती है, तब फिर एक बार ओम की पहले के समान ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। फिर अपरा प्रकृति सभी जीवों के चित्त अपने आप में बीज रूप में रख के स्वयं बीज रूप में परा प्रकृति में स्थित हो जाती है, और ये कार्य अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। इसे समय में इसका आकलन नहीं हो सकता। हमारा कहने का मतलब ओम मंत्र से ही सारे मंत्रों की शुरुआत है, अंत भी ओम में ही है। तो ये जो हम मंत्र बोल रहे हैं, तो इसकी महिमा बहुत ही श्रेष्ठ है। हम शब्दों में क्या बताएं। यदि इस मंत्र को सही ढंग से और गुरु के द्वारा दिए हुए इस ओम मंत्र को उसके द्वारा लयबद्ध तरीके से समझा के जो बताया जाए, तो ये निश्चय ही अपने आप में पूर्ण है, अर्थात ओम मंत्र के द्वारा पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। मैंने गुरु शब्द को इसलिए जोड़ा, लोग गुरु को महत्व नहीं समझ पाते हैं। मैंने बहुतों को कहते सुना है, हमें गुरु की क्या ज़रूरत है, हम स्वयं आगे बढ़ेंगे। ऐसे अज्ञानी ही नहीं, घोर अज्ञानी है। मैं बता रहा हूँ, ओम मंत्र तो सभी जगह लिखा मिल जाएगा, पुस्तकों में लिखा मिल जाएगा, किसी भी संत पुरुष से या बात करते हुए ओम मंत्र की जानकारी मिल जाएगा, भाई ओम मंत्र होता है, इसका जाप करो। लेकिन जब गुरु अपने शिष्य को ओम मंत्र के लिए बताता है कि इस मंत्र का जाप करो, तो हमेशा ध्यान रखना उस शब्द में गुरु का संकल्प जुड़ा होता है। महत्वपूर्ण बात यह है, एक पुस्तक के द्वारा या किसी सामान्य पुरुष के द्वारा सुना हुआ या बताया हुआ कि इस तरह जाप कर लो, उसमें और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में भारी अंतर है। क्योंकि संकल्प जुड़े होने के कारण जब आप अभ्यास करेंगे यानी बोलेंगे, तो वो तेज़ गति से क्रिया करेगा, क्योंकि गुरु का योग बल लगा हुआ होता है। तो हमारा यहाँ कहने का मतलब यही है कि ओम मंत्र का सही ढंग से अगर जाप किया जाए तो पूर्णता के नज़दीक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब गुरु के द्वारा दिया गया होगा। ओम मंत्र जब बोलते हैं या कोई भी मंत्र बोलते हैं, तो मुंह से जो ध्वनि निकलती है, उससे विशेष प्रकार की तरंगें बनती हैं, पहले स्थूल रूप में, फिर वो तरंगें धीरे धीरे सूक्ष्म होकर के व्यापक होती रहती हैं। उसका कारण यही है कि जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। जैसे उसके अंदर शुद्धता यानी चित्त में शुद्धता आएगी, उसके द्वारा बोला गया मंत्र धीरे धीरे और शुद्ध होगा, तो उसकी जो निकली हुई तरंगें हैं वो व्यापक होने लगी, यानी दूर दूर तक फैलती चली जाती हैं। अंत में इतनी दूर फैल जाती हैं कि सारे अपराप्रकृत में उनका अस्तित्व हो जाता, उसके द्वारा बोले गए मंत्र के द्वारा। कहने का मतलब इसी तरह से साधक अभ्यास करके ओम मंत्र का जाप करके अपना आंतरिक विकास करता रहता है। समय का अभाव है, इस मंत्र के विषय में अगर आप पूछेंगे तो फिर कभी और बता देंगे, लेकिन अभी ओम मंत्र का जाप करना है तो थोड़ा सा ही यहाँ पर बता रहा हूँ कि ओम मंत्र से ही सारी सृष्टि की शुरुआत होती है, ओम मंत्र से ही अंत में मिल जाते हैं, अर्थात वो अपने आप में पूर्ण है। तो यहाँ पर मन को एकाग्र करते हुए सहस्त्रार चक्र में ओम मंत्र का जाप करते हैं। जब ऐसा समझो कि ओम मंत्र का आप सही जाप कर रहे होंगे तो आपका शरीर हल्का होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप ऊपर की ओर उठ जैसे रहे हैं। हालांकि स्थूल शरीर तो वैसा ही बना रहता है, ये सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होती है, उसमें कुछ हल्कापन आता है। हल्कापन का जो अनुभूति, हल्केपन की अनुभूति है, उसका कारण है कि उसके शरीर में जो विद्यमान तमोगुण है, मलिनता है, उसके चित्त में जो मलिनता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तो हल्केपन की अनुभूति कराती है। जी, अब ओम मंत्र का जाप करेंगे सभी साधक 10 मिनट तक लयबद्ध तरीके से। कल की बात इस मंत्र को पहले मैं बोलूँगा। जिस साधक की श्वास ज़्यादा देर तक ठहरती है या ज़्यादा देर तक बोल सकता है, अवश्य बोले। मैं आखिरी समय तक इंतज़ार करूंगा, फिर मैं ही मंत्र का शुरुआत करूँगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.